हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यानी कि ग्लैम एंटरटेनमेंट में। फ्रेंड, जवान मूवी से रिलेटेड एक ऐसी न्यूज़ वायरल हो रही है जिसे आप सुनोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आप यकीन नहीं करोगे, आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, हमें तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक बॉम्ब की तरह ये मूवी आ गिरी है फ्रेंड्स, एक धमाका हो गया इस न्यूज़ को आने के बाद। और वो न्यूज़ ये है फ्रेंड्स कि जवान मूवी रीमेक है, जवान भी एक रीमेक मूवी है। क्या आप यकीन करोगे, जवान मूवी जिसका बस, जिसका हाइप और जिसका एक्साइटमेंट लेवल एक नेक्स्ट लेवल का था, फैंस के बीच में इसका एक अलग ही टाइप का क्रेज देखने को मिलता है फ्रेंड्स, वो एक रीमेक मूवी है। क्या है इसके पीछे की सच्चाई, क्या है रियल ट्रूथ फ्रेंड्स, इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। क्या सच में जवान मूवी रीमेक है, और रीमेक है तो किस मूवी का रीमेक है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। पर उससे पहले, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो बात कर रहे थे फ्रेंड जवान मूवी के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ी न्यूज पोर्टल ने ये दावा किया है कि जवान मूवी एक बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की, जिसमें एक सुपरस्टार है, उस मूवी से इंस्पायर्ड है फ्रेंड्स, ये बोला गया है। रीमेक है ये कहीं भी नहीं बोला गया है। और इंस्पायर्ड और रीमेक में ज़मीन आसमान का अंतर होता है फ्रेंड्स, ये मुझे बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं, आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। और वो मूवी है सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की, जिसका नाम है आखिरी रास्ता फ्रेंड्स, जो कि अमिताभ बच्चन की सुपरहिट मूवी है, जिसमें उन्होंने डबल रोल किया है, बाप बेटे का किरदार निभाया था, और उनके अलावा जयाप्रदा श्रीदेवी भी उस मूवी में नजर आई थी। और आखिरी रास्ता मूवी भी एक तमिल मूवी की रीमेक है फ्रेंड्स, और वो तमिल मूवी कमल हासन की थी, जिसमें सुपरस्टार कमल हासन उस मूवी में थे, और उसका नाम है ओरू केदियन डायरी। अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ फ्रेंड्स तो उसके लिए सॉरी। तो यही बोला गया है फ्रेंड्स कि ये दोनों मूवी से इंस्पायर्ड है, और ये दोनों मूवी सेम है, क्योंकि आखिरी रास्ता कमल हासन की मूवी की रीमेक थी, और दोनों मूवीज में कमल हासन के भी डबल रोल थे और अमिताभ बच्चन के भी डबल रोल है, और शाहरुख खान का भी जवान मूवी में डबल रोल होने वाला है, ये सब हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस सेंस से भी बोला गया है, मींस 100% पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये इंस्पायर्ड भी है, इस सेंस से बोला गया है कि हो सकता है इंस्पायर्ड है। और अगर इंस्पायर्ड भी है तो थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड होगा फ्रेंड्स, और पूरी स्टोरी अपने तरीके से एटली कुमार प्रेजेंट करेंगे अपनी मूवी में। तो रीमेक मूवी बोल के हमें इतनी बड़ी मूवी का ये नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, इसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए। हम सभी जान रहे हैं जवान मूवी नेक्स्ट लेवल का होने वाला है, और ये किसी मूवी का रीमेक नहीं है, इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। वो उसके पीछे भी क्या सच्चाई है, जब मूवी रिलीज हो जाएगी तो ही हमें पता चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि डबल रोल वाले के चक्कर में ही इसे इंस्पायर्ड बताया जा रहा है। और साथ ही साथ एटली कुमार कमल हसन के बहुत बड़े वाले फैन हैं, वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत मानते हैं, जिस वजह से भी इसको लेके बताया जा रहा है कि ये इंस्पायर्ड मूवी हो सकती है। तो इसमें अगर इंस्पायर्ड हुई भी तो इंस्पायर्ड और रीमेक में बहुत फर्क होता है फ्रेंड्स। रीमेक मूवी वो होती है जो ए टू जेड सारे सीन को एक साथ चिपका दिया जाता है, मींस सारे सीन को एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है। पर इंस्पायर्ड मूवी में थोड़ा बहुत स्टोरी को उठाया जाता है, बाकी सब अपना दिखाया जाता है फ्रेंड्स, अपने तरीके से स्टोरी लाइन को प्रेजेंट किया जाता है। तो मेरा कहना यही है कि हमें इतना जल्दी किसी भी न्यूज़ पे बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जवान मूवी एक बहुत बड़ी मूवी आने वाली है, और इससे रिलेटेड बहुत तरीके के र्यूमर्स भी आ सकते हैं, बहुत तरीके का फेक न्यूज़ भी आ सकता है। तो हमें ऐसे भी कोई न्यूज़ पे यकीन नहीं कर लेना चाहिए फ्रेंड्स, जब तक मूवी का टीज़र ट्रेलर नहीं आ जाता है उसका वेट करना चाहिए, और देखना चाहिए कि मूवी में वाकई में कितना दम है, जो कि टीज़र ट्रेलर के बाद ही हमें पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मैं तो जवान मूवी को लेकर बहुत ही एक्साइटेड हूँ। आपका क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ जो भी आपके मन में हो कमेंट के थ्रू शेयर करें, और आपने आखिरी रास्ता या कमल हसन की मूवी देखी है कि नहीं देखी उसके बारे में भी डिस्कस करें फ्रेंड्स। वैसे मैंने आखिरी रास्ता मूवी तो देखा हुआ है, बहुत अच्छी मूवी है, अगर आपने नहीं देखी आप भी देख सकते हो फ्रेंड्स। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।